क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग ने तकरीबन 1.70 लाख शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्राइमरी टीचर के लिए जो सिलेबस पहले था वही अब भी है। वही भर्ती के लिए परीक्षा अगस्त में होगी और रिजल्ट दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। 15 जून 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें आप सभी आवेदक 12 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार में तकरीबन 1.5 लाख शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 15 जून से ऑनलाइन आवेदन जो भी अभ्यर्थी है वो कर सकते हैं, जिसका जो आवेदक की जो तिथि है आखिरी वो 12 जुलाई तक के निर्धारित की गई है। यानी कि 12 जुलाई तक ही फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं सभी परीक्षार्थी, और 15 जून से ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है जो शुरू हो जाएगी। और भाई इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं दिसंबर में घोषित किए जाएंगे। तो बिहार में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी युवाओं को एक बार फिर से रोजगार मिलने की पूरी उम्मीद जताई गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मंजीत हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत, बिहार में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तकरीबन 1.5 लाख शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कब जो भर्ती प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी, परीक्षा कब होगी और क्या कुछ जानकारियां मिल रही है इस पूरी परीक्षा को लेकर? जून जी, आपको बता दें कि परीक्षा का जो है कि अगस्त महीने में ही शुरू कर दी गई है, जिसका तिथि जो है कि अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 19 अगस्त और 20 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त, यानी 4 दिन जो है कि परीक्षा की डेट रखी गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगस्त के बाद अगले महीने ही जो है कि इसका रिजल्ट आने की भी संभावना बताई गई है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष और जो नेता है वो धरना पे और बहुत सारे मांग को लेकर भी बैठे थे, लेकिन आज जो है कि आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करके ऐसा बताया गया है। और जो लोक सेवा जो के आयोग के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद ने, उन्होंने सिलेबस के भी बदलाव में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी टीचर के लिए भी सिलेबस पहले से है थे और वही अभी भी भर्ती के लिए परीक्षा अगस्त में होगी और रिजल्ट दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है मंजीत, अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से शिक्षक संघ जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अब आज ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अब शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तकरीबन 1.5 लाख तक की वैकेंसी निकाली गई है। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के जो नोटिफिकेशन आया है, इस पर शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी है, जो नेता है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी, आपको बता दें कि जो मांगे हैं उनकी, जैसे कहा गया है कि बहुत सारा ऐसा बीपीएससी की तरह ये परीक्षा दिया जाएगा और इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो फॉर्म भरेंगे, उनको बहुत सारे अभी चीज जानकारी नहीं है और इसमें जो है कि परीक्षा दिया जाएगा, तो इसमें समय के भी उन्होंने कहा था कि इस तरह का इतनी जल्दी बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। और हमारी बहुत सारे मांग है, जो शिक्षक के संघ के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि बहुत सारे मांग है, अगर इस
मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए। और कुछ जो नेता है शिक्षक संघ के, उन्होंने ये भी कहा कि जो डिप्टी सीएम है, जो उन्होंने सरकार बनने से पहले भी कहा था कि शिक्षक को हम भरपूर सहयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नौकरी देंगे, तो ये कहना है जो शिक्षक संघ के नेता हैं उनको कि नौकरी क्या देंगे, कि इस तरह का जो है कि सिस्टम बना देना, रूल बना देना, कहीं ना कहीं शिक्षकों की भर्ती में कमी होगी, तो इसमें इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो वही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने फुलवारी शरीफ मामले में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने कर्नाटक, केरल और बिहार के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। वही प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ एनआईए ने कर्नाटक, बिहार और केरल में सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है। जांच एजेंसी बिहार के कटिहार में मोहम्मद नदवी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। साथ ही यूसुफ टोला में भी जांच एजेंसियों की टीम पहुंची है। इससे पहले एनआईए ने पटना के पीएफआई फुलवारी शरीफ मामले में बिहार में कई स्थानों पर तलाश भी ली थी। छापेमारी में डिजिटल उपकरणों और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त भी किया गया था। तो आपको बताते चले कि आज फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए ने एक बार फिर से छापेमारी की कार्रवाई की है। तीन राज्यों में पीएफआई के तकरीबन 25 ठिकानों पर आज सुबह से ही छापेमारी का दौर जारी है और फुलवारी शरीफ मामले में भी आज एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। तो फुलवारी शरीफ मामले को लेकर भी जो एनआईए है वो पूरी तरह सक्रिय नजर आई है। इसी के मद्देनजर एनआईए का एक बार फिर से एक्शन देखने को मिला है। तीन राज्यों में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई और इन राज्यों में बिहार का नाम भी शामिल है। यानी कि आज बिहार में भी जो एनआईए की टीम है वो पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई की है। तो तीन राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वही बिहार में भी जो छापेमारी की गई है, इस दौरान तमाम दस्तावेज भी बरामद किए जाने की उम्मीद है। तो फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए का ये एक्शन देखने को मिला है। एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मंजीत हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत, आज तीन राज्यों में पीएफआई के तकरीबन 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई और तीन राज्यों में बिहार का भी नाम शामिल है। बिहार के किन किन जिलों में ये छापेमारी की गई और तकरीबन कितनी देर तक एनआईए की टीम छापेमारी की कार्रवाई करती हुई दिखाई दी है मंजीत? जी जी, बिहार के जो मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश में जो है की कई स्टेटों में जो है की पीएफआई के ठिकाने पे छापेमारी हुई है। और बिहार की बात करें तो बिहार के कटिहार में जो है कि एक हसनगंज इलाका है, वहाँ पे पीएफआई के जो नेता है उनके करीबी यहाँ छापेमारी हुई है। और ये छापेमारी जो है कि आपको बता दें कि सुबह से ही चल रही थी और इसमें अभी जो इसके अधिकारी हैं ज्यादा जानकारी अपडेट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो केंद्र सरकार जो है कि इस पे पूरी प्रतिबंध लगाई थी और इस तरह का जो है कि सूत्र मिलना पीएफआई के लिए फिर से अपडेट होना, यह कहीं ना कहीं जो है कि ठीक है। मंजीत, आज पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और एनआईए लगातार सुबह से ही एक्टिव नजर आई है, तो क्या कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं छापेमारी के दौरान? क्या इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी किया गया है? नहीं, आधिकारिक बयान आपको बता दें कि अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि अभी जो और जगह है जो बिहार में जो उसकी कड़िया जुड़ने की बात बताई जा रही है कि और जगह है उन पे जो है कि नजर रखी जा रही है और कड़ी से कड़ी जो है कि उसकी टीम जो है कि नजर बनाई हुई। ठीक है, धन्यवाद मंजीत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। साथ ही नई दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान गया में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर बयान दिया। आनंद मोहन की रिहाई पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ना किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं, तो क्या उस समय आनंद मोहन को फंसाया गया था या फिर अब आनंद मोहन को बचाया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री ही बताएं। उनकी रिहाई पर एतराज है। साथ ही सीतामढ़ी में युवती की चाकू गोदकर हत्या किए जाने के मामले में चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में हर दिन हत्या हो रही है, लेकिन किसी पीड़ित परिवार से नहीं मिला जा रहा है। ये उदासीन रवैया अपराधियों के मनोबल को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम बिहार में कर रहा है। तो कितने दलों के नेता आएंगे, पर जितने भी दल के नेता आएंगे और वो फोटो ऑप के लिए एक दूसरे का जब हाथ पकड़ कर तस्वीर खिंचाएंगे ना, तो एक फ्रेम में आपको एक दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी दिखाई देंगे। आपसी रशाकशी इतनी है प्रधानमंत्री बनने की होड़ में, इसके लिए कभी विपक्ष आज तक एकजुट हो ही नहीं पाया। ये ऐसा भानुमति का कुनबा है जो बनने से पहले ही ढह जाता है। अब ऐसे में ये लोग प्रयास गुना करेंगे, 12 तारीख को मेरी शुभकामनाएं हैं। खबर नवादा से है, जहां भोजपुरी सिंगर के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। बता दें कि भोजपुरी सिंगर के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया, और वही भोजपुरी सिंगर खुशबू शर्मा अपने 3 बच्चों के साथ न्याय के लिए स्थानीय पुलिस और एएसपी डीएम के कार्यालय के चक्कर भी काट रही हैं। आरोपी युवक शहर के गोपाल नगर मोहल्ले के निवासी अरुण कुमार का बेटा विनय कुमार बताया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि वो कई सालों से अरुण कुमार के मकान में किराए पर रहती थी। उसी दौरान मकान मालिक का बेटा विनय कुमार से दोस्ती बढ़ी और शादी का झांसा देकर वो लगातार युवती के साथ यौन शोषण करता रहा। पीड़िता ने इस घटना की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई है। वही पीड़िता खुशबू ने बताया कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं आरोपी युवक से जान से मारने की भी धमकी लगातार पीड़िता को मिल रही है। वहीं पीड़िता खुशबू न्याय के साथ साथ एसपी से जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगा रही है। ये सूचना मैं अपना पति को दिया, मेरे पति मुझे छोड़ दिए, बोले कि मैं अब तुझे नहीं रखूंगी। तो मैं बिना की माता पिता को मैंने बोला, तो उनके माता पिता मुझे बोले कि ठीक है, मेरे बेटा गलत किया है तुम्हारे साथ, तो मेरा बेटा रखने के लिए तुझे तैयार है। मैं उनके साथ 4 साल तक रखी। मुझे साथियों का साथ साथ देख कर मुझे स्टेज पर उन्होंने चढ़ा दिया। मैं स्टेज शो करने के लिए विरोध किया हूँ तो मुझे मारपीट के मुझे घर से निकाल दिए। मेरे बच्चे, मेरे 3 बच्चे भी हैं। तो अब नवादा से सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर पीड़िता के मुताबिक उससे लगातार संबंध बनाए गए, और जब शादी के लिए युवती ने प्रेशर किया तो उसके बाद आरोपी ने मारपीट करते हुए युवती को घर से बाहर निकाल दिया। खबरों में फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां इन दिनों प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ लगातार हंगामा और लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि इस प्रीपेड मीटर में पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। इसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियां भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आई थी। लोगों की मांग है कि इस प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर को हटाया जाए। इसी मांग को लेकर लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा और नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान स्थित बिजली कार्यालय में जमकर हंगामा भी किया गया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मतलब स्मार्ट मीटर के बाद? स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये प्रॉब्लम है ना। इससे पहले तो जो भी लेना था सरकार लेती थी अपने बिलिंग के हिसाब से, वो लोग जनता देती थी ना। हाँ। लेकिन अभी ये अपना मनमौजी से जैसे मन में आया। मैं पूछता हूँ कि 500 रुपया मैंने निकाल दिया और आज सुबह में 900 ऊपर से और मेरे पर कर्ज गिर गया, ये कैसे हो गया? ये क्या दिक्कत आ रही है कि रात में मेरे यहाँ 354 रुपया बैलेंस दिखा रहा, अभी हमारे यहाँ नो बैलेंस कुछ नहीं है। लाइन भी काट दिया गया, लाइन में भी नो बैलेंस दिखा रहा। हम 3 महीना से परेशान है, जब से लाइन लगा तब से, जब से स्मार्ट मीटर लगा, जब से स्मार्ट मीटर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे हैं, ये जनता ही तरह ही मान है लाइन से। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर जंक्शन आने वाली ट्रेन के पेंट्री कार से 3 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पेंट्री कार के काम कार्यरत 3 कर्मी शराब के नशे में धुत थे। वहीं से सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम रेल पुलिस के साथ ट्रेन के पेंट्री कार की जांच की, जहां जांच में 3 कर्मी शराब के नशे में मिले, जिसके बाद 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। हो रही है तो सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे एवं मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म के जीआरपी थाना की एक टीम को अपने साथ लिया और ट्रेन रात्रि करीब 11:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची और जीआरपी टीम के साथ पेंट्री कार की घेराबंदी की एवं पेंट्री कार में उस समय जितने पेंट्री स्टाफ थे, लगभग 7 लोग थे, उन सभी को रोका और सभी को रोकने के बाद सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें से 3 लोग नशे की स्थिति में पाए गए और अन्य 4 लोग नशे में नहीं थे। उसके बाद चूंकि वो नशे में थे तो पूरे पेंट्री कार की एवं उसके लगे जो 1-2 कोचेज हैं, पूरी कोच। नालंदा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। नूरसराय थाना क्षेत्र इलाके के डोईया गांव में स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर हसनी गांव जा रहे थे। इसी दौरान डोईया गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो नालंदा हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जहां कार ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी और हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिससे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों ही शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।